लेट अस लिटिल कंसंट्रेट. वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए, लिख के लेके आया हूं मैं. द वेरी फर्स्ट बीइंग दैट बेटा, ए कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 5 mH बेटा. आप नोट कर लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में बेटे, ए कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ बेटा 5 mH. L आपको 5 mH का दिया हुआ है. एंड इफ इट्स करंट चेंजेस फ्रॉम 0.1 A टू 4.1 A, करंट जो है बेटा ये 0.1 A से 4.1 A तक चेंज कर जाता है इन 0.5 seconds बेटा. तो टाइम भी आपको दिया हुआ है 0.5 seconds का. कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट बेटे, दिस इज नीडेड टू बी कैलकुलेटेड. मैं अगेन पुत्र अगर रिपीट कर दूं, आपको एक क्वाइल दी हुई है उन्होंने, एक क्वाइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ बेटा 5 mH बेटे. And then what we intend to do is that beta, in this coil the current changes from 0.1 A to beta 4.1 A in just beta half second, 0.5 seconds beta. और आप लोगों को इस केस में induced EMF in the circuit जो है this is beta needed. तो it is very simple one beta. फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम? हाँ जी पुत्र जी, इंड्यूस्ड. देखो आपको बेटे, आप इसको आई वन लिख सकते हो, आप इसको आई टू कह सकते हैं. ये आई वन है, ये आप आई टू कह सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए. तो आप लोगों को एल तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना बेटा. तो फिर हमारा क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ बना बच्चों? आपका नाम अदिति है, मैं भूल गया फिर से. हाँ अंकिता, सॉरी अंकिता, बोलिए बेटा. अंकिता करण तेजवीर है कि यार मैं भूल गया फिर से. तनवीर, ईएमएफ आपके पास एल है और आई की दोनों वैल्यूज हैं, टी है. सिंपल है बेटा, क्या करते हो आप? बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में तो हमने किया था ये. हाँ जी इश्पुनीत. हाँ जी सर. हाँ जी बोलिए. यू आर गिवन ए क्वाइल, द करंट इन द क्वाइल चेंजेस फ्रॉम 0.1 A to 4.1 A in only just half second. How we will calculate the EMF of the circuit or the coil? Sir, L into di by dt. खुशी सुनीत ने बता दिया बेटे. Good, very good. EMF का magnitude अगर आप कहोगे, this is equal to L di by dt. Right बेटे? तो di आपका कितना आ गया? इसमें से ये minus कर दीजिए. T को आप dt मान लीजिए. सिंपल है बेटा. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ E जो है मैग्नीट्यूड वाइज आ जाएगा 5 mH है, ये इसके हेनरी बना लिए आपने, और दिस इज 4.1 - 0.1 डिवाइडेड बाई 0.5, और ये फिर आपके पास बेटा जी 5 × 10⁻³ एंड 4 डिवाइडेड बाई 0.5. इसको आप 5/10 लिख सकते हो. 5 से 5 आपका कट गया, कितना बना ये 40 × 10⁻³ है ना. EMF is 40 × 10⁻³ वोल्ट, और आप इसको बेटे 40 mV भी बोल सकते हो, एक ही बात है. ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, हार्डली मैट्रिक्स बेटा. राइट, then let us with a concentrate further upon the second point.
सेकेंड प्रॉब्लम सेकेंड क्वेश्चन बेटे, शुड आई रब दिस? चलिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड क्वेश्चन, क्या कहता है आइए जरा इसको भी डिस्कस करके देखें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, इफ ए करंट इन ए क्वाइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5 × 10⁻⁴ -3 हेनरी। मैं रिपीट करूंगा बेटा, इफ ए करंट इन ए क्वाइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5 × 10⁻⁴ -3 हेनरी increases uniformly, from 0 to 1 ampere, 0 ampere से 1 ampere तक ये बदल गया है in 0.1 second, in 0.1 second only, then find the magnitude of the induced EMF, same ही है, numerical type same है, आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, आप अभी अभी कर चुके हो, टेक्निक सेम, आई वन आपके पास, आई टू आपके पास एंड टाइम आपके पास, जल्दी से कैलकुलेशन कर दीजिएगा, खाली कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं इसमें बेटा, तरीका सेम, टेक्निक सेम है, इट इज 50 × 10⁻³ -3 वोल्ट। सो ये आपका फिर ईएमएफ जो है इतना ही हुआ ना बेटा, यही कह रहे हो आप सारे स्टूडेंट्स, पत्र चेक करो यही आ रहा है कि कोई डिफरेंट है बेटा? ठीक, इट मींस कि यू नाउ हैव लर्नड हाउ टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप बेटा, अब आप सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम इजीली कर लोगे। थर्ड इंपॉर्टेंट है बेटे, टाइप बड़ी अच्छी है थर्ड की, लेट मी स्पीक इट आउट बेटा, आपको दिया गया है थर्ड प्रॉब्लम में दैट ए रॉड ऑफ आयरन, थर्ड न्यूमेरिकल है बेटे, ए रॉड ऑफ आयरन is fixed at one end, इसका जो वन एंड है रॉड का, that is बेटे fixed है, ठीक है जी, और आपको क्या कहा गया है, one end is fixed and one end is rotating with angular velocity and other end जो है it is rotating with angular velocity omega 200 radian per second, 200 radian per second की angular speed से rotate कर रहा है दूसरा end बेटे, in about the fixed end, sorry मैं repeat करूंगा बेटा, a rod of iron fixed at one end is rotating with the angular velocity 200 radian per second about the fixed end in a magnetic field of 0.2 tesla. Magnetic field की strength 0.2 tesla आप लोगों को दी हुई है. Find the induced EMF between the center and far end of the rod. आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है सेंटर में एंड फार एंड ऑफ द रॉड में. मैं डायग्राम बनाकर आपको हेल्प कर सकता हूं बेटा, किस तरीके से वो आपको पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है. जैसे मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड आपको दे रखा है और आपको उन्होंने कहा है आयरन की रॉड, ये आयरन की रॉड का आपने एक एंड यहां पे फिक्स किया सेंटर पे,
ये इस आयरन की रॉड का दूसरे वाला एंड हो गया, ठीक है जी। ए रॉड ऑफ आयरन फिक्स्ड एट वन एंड इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 200 रेडियन पर सेकंड अबाउट द फिक्स्ड एंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन बिटवीन द सेंटर एंड द फार एंड द रॉड गिवन दैट लेंथ ऑफ द रॉड इज 1 मीटर। ये मैं बोला नहीं आपको, ये लेंथ इसकी बेटे 1 मीटर आपको दे रखी है। ये रॉड को उसने ऐसे रोटेट किया है मैग्नेटिक फील्ड में दिस वे, ये ऐसे रोटेट कर रही है इस सेंटर के राउंड अबाउट, यहां आ जाएगी फिर यहां फिर यहां फिर यहां, ऐसे आपकी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रही है। तो हमें बेटा निकालना है इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ इस पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ द रॉड के बीच में। Any suggestions from your side, beta? Yes, sir. Sir, half b omega l square कर लो सर, उससे सीधे आंसर आ जाएगा। Half b omega l square. पक्की बात है? हाँ जी सर, पक्की बात है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, आपने कहा हमने मान लिया b l omega square ही कह रहे हो ना, कि omega l square कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी सर। नहीं नहीं सर, सर half b omega l square. L का स्क्वायर ओमेगा नहीं। चलिए बेटे सारे स्टूडेंट्स जरा देखना, ये रिलेशनशिप हमने वैसे तो मैंने आपको डिराइव करवाया हुआ है, बट फिर भी इमोशनल ईएमएफ से बनेगा कैसे एक बार फिर से देख लीजिएगा। ईएमएफ आपका B इंटू एल इंटू वी था बेटा, इमोशनल ईएमएफ तो हमने ऐसे लिखा हुआ है ना बेटे, बी एल वी। अब आपका रॉड का सेंट्रल पॉइंट देखिएगा, सेंट्रल पॉइंट तो नहीं मूव कर रहा, इट इज फिक्स्ड बेटा। ये पॉइंट मूव कर रहा है ऐसे या क्लॉकवाइज, तो आपकी बेटे जो इनिशियल सेंट्रल एंड की वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। सेंटर तो फिक्स है ना आपका एक पॉइंट, और दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी आपकी वी के बराबर है। अगर ये वी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बेटा, देन बेटे डियर चिल्ड्रन आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल आई इन दोनों की, जीरो प्लस बी डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। और आप इस वेलोसिटी को इस इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे बी एल, और साथ ही साथ बेटे आपका जो ओमेगा आपको दिया हुआ है, यू नो दैट बी इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा भी होता है आपका, और R यहाँ पे आपका लेंथ ऑफ द रॉड के बराबर है। जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं बेटा, हम रेडियस R को बेटे मान लेते हैं कि हमारा सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है ये, तो आपका जो बी वी है ये, फिर ये बेटे V इंटू एल अपॉन टू के बराबर हो गया। V को आपने L R की जगह पे पुट कर दोगे ना जब, सो एक मिनट देख लीजिएगा, v आपके पास जो है एवरेज, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया ये, और r की जगह पे लिख दिया l, ये वेलोसिटी इतनी बन गई बेटा। लेट मी एड वन मोर स्टेप, आई थिंक आपको दिक्कत लग रही है। ये आपका वेलोसिटी जो है ये फिर v बाई टू के बराबर आ गया। B को आप क्या लिखते हो, R इंटू ओमेगा लिखते हो, है ना बेटा, और R आपका कितना है L के बराबर, दिस इज L ओमेगा बाई टू बना। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वेलोसिटी हियर इन दिस एक्सप्रेशन दिस वे, वी विल बी हैविंग दैट E इज इक्वल टू B L एंड V, दिस इज बेटा then equal to L omega upon 2 beta, and it is B or half B L square omega. Is Sunit? Yes, sir. Is Sunit? Then beta Dhruv, yes. Sharma, Gunjot, Siya, Vanshika, Aryan, Dhruv, again, Dusre Wala, Shitish, Lakshya, Manviya, Rohan, Bhardwaj, Abhi, Bhumika. Is everything clear to all? हाँ जी सर। तो आप बेटे देखिए, वैसे इश्कुनीत ने रिलेशनशिप डायरेक्टली भी बोल दिया था,
सिंपल वैल्यूज पुट कर दीजिए और चेक कर लीजिए हाउ मच इट इज टर्निंग आउट टू बी. इट इज कितना पुत्र? 20 वोल्ट. वेरी नाइस बेटा. सारे स्टूडेंट्स चेक कर लीजिए, इंड्यूस ईएमएफ इज टर्निंग आउट टू बी 20 वोल्ट और नॉट बेटा? डियर चिल्ड्रन, इज इट 20 वोल्ट? हाँ जी गुड़िया, हो गया जी. चलिए देन आगे चलते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आइए कंसंट्रेट करें फोर्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ पार्ट पे. वी हैव विद अस दैट a wire of length with a 0.1 meter, a wire of length with a 0.1 meter moves with a speed of 10 meter per second. It moves with the speed of 10 meter per second perpendicular to the magnetic field. Perpendicular to the magnetic field, bete, perpendicular to the magnetic field of induction 1 Weber per meter square. आपको उन्होंने ये B दे दिया अब flux की terms में. कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा. ई आपको निकालना है. सारे स्टूडेंट्स बेटा फिर से देखिएगा, आपको क्या चीज दी हुई है, क्या आपको कैलकुलेट करना है. एक वायर है बेटे, कंडक्टिंग वायर है, लेंथ इसका 0.1 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर हो गया ना, एंड ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. उसकी इंडक्शन की इंटेंसिटी आपको दे रखी है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. वी इंटेंड टू कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटे, डियर चिल्ड्रन. सो हाउ मच इट विल बी बेटा? एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड बेटा डियर ऑल? हां जी बेटा जी, इट इज फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? बी एल वी. वेरी राइट बेटा, इंड्यू मोशनल ईएमएफ लग गई ना, बी एल वी. तो सारी चीजें आपके पास सही हैं. ये एल है, ये वी है, ये आपको बी दिया हुआ है ना, फ्लक्स पर यूनिट एरिया है. फटाफट कैलकुलेशन कर दीजिए, देन चेक करिए कितना आता है. हाँ जी पुत्र जी, 1 नहीं आ रहा है सबका ही? ठीक है बेटे, अगर 1 आ रहा है तो नो प्रॉब्लम. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 1 वोल्ट, आपने कैलकुलेट कर लिया है, दैट्स समथिंग वेरी नाइस. राइट जी, एक बार फिर भी वेरीफाई कर लेना अपना आंसर बेटा, कोई कैलकुलेशन में ना बात रह जाए. बाकी ठीक है आपका सारा. कई बार एग्जामिनर बड़ा डिफरेंटली क्वेश्चन पूछ लेते हैं. जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्वाइल. द मैग्नेटिक फ्लक्स बेटे फाई से आप लिखते हो ना, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्वाइल इज वेरियंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन. रिलेशन क्या है? फाई इज इक्वल टू 4 T का क्यूब देन प्लस 5 T का स्क्वायर एंड प्लस 8 T माइनस 3 प्लस 5 बेटे. ये फ्लक्स की
आपको वेरिएशन दी हुई है, इट इज इन वेबर, राइट बेटा? मैं रिपीट करूं, अगर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज वेरिएंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप फाई इज इक्वल टू 4t³ प्लस 5t² प्लस 8t-3 प्लस 5 वेबर, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। कब कैलकुलेट करनी है? कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंड प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल, प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल जो है दिस इज गिवन टू यू टू बी 3.1 ओम। 3.1 ओम के बराबर का आपको उन्होंने रेजिस्टेंस दे रखा है। आपको इंड्यूस ईएमएफ और करंट निकालना है बेटा। सो अंकिता, अंकिता बेटा कैसे करें? यस टी को, फाई को, फाई एट टी इज इक्वल टू 2 निकल गया, देन फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? बच्चों ध्यान दीजिए, ईएमएफ आपका ई जो है, डियर चिल्ड्रन, डी फाई अपॉन डी टी, ये लेंजेज लॉ आप करते हो ना। मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो इसके बराबर आ जाएगा। आपको इसका पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, उसके डेरिवेटिव की टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वैल्यू निकालोगे आप, देन दैट विल गिव यू इंड्यूस ईएमएफ। और करंट के लिए आपका इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस हुआ करता है, इट विल बी 1/r d∅/dt। अब दोनों चीजें जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए बेटे, e कितना आएगा एंड i कितना आएगा। एट टी इज इक्वल टू 2, टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा फिर आपका होगा ये। अंकिता हाउ मच d∅/dt, पहले तो चेक करो कितना आता है। d∅/dt एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स बेटे, दिस इज नीडेड। आफ्टर दिस वी विल कम टू द केस ऑफ आई बेटे, मुश्किल कुछ भी नहीं। इस सुनीत चले गए तो प्रेजेंट हो, सर प्रेजेंट प्रेजेंट हूँ सर। बोलिए फिर बेटे ये कितना बना? d∅/dt एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सर 12t² प्लस 10t+8 सर, अरे नहीं ऊपर बेटा, से रह के टी की बोला वैल्यू सर। पुट करके बताओ ना, आप सारा सॉल्व करके बताइए आप। आपने पूछा कि सर, आपने पूछा कि सर उसका डेरिवेटिव क्या, मैंने वो बोल दिया ना। अब उसकी वैल्यू भी निकालो फिर, हरी अब एट अच्छा टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स निकालिए जल्दी से। हाँ जी, हाँ, ईएमएफ तो तभी निकलेगी ना जब आप इसको एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स करोगे ऐसे, नहीं तो नहीं निकलेगी। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ इल्यूजन हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, गलती नहीं करनी। इट इज 68, ये मेरे पास 68 नहीं लिखा हुआ, 66 पॉइंट समथिंग है। हाँ यस 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 यस, आपका ई जो है 66.5 वोल्ट आ रहा है ना,
वेरी राइट। और आई भी निकाल दीजिए जल्दी से फिर बेटा। आई की वैल्यू आर से डिवाइड ही करना है। इट इज 21 point, हाँ जी 21 point, ये कौन सा टाइम आने का प्रैक्टिकल है, यहाँ थोड़ी होगा वो लैब में होगा। कौन कहते हैं, कौन से सर? तो बेटे प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल लैब में होगा, यहाँ थोड़ी होगा, छुट्टी हुई तो नहीं अभी। 4-5 कह रहे हो बेटे, ठीक है जी। सो ये आपका बेटे बन गया ये सेटअप। देन लेट अस शिफ्ट टू प्रॉब्लम नंबर 6 हो गया हमारा आगे बेटा। आइए 6 भी देखें। लेट अस, अब कौन सा प्रैक्टिकल है आज आपका? ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बोल रहा हूं बेटे, ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट इन द लूप यूजिंग लेंज़'स लॉ। आपको एक डायग्राम उन्होंने दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, ये आप बताइए। ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? आउटवर्ड कैसे हुआ, इनवर्ड कैसे? इनवर्ड ही है। ये एक कॉइल दिया हुआ है आपको, सर्कुलर कॉइल बेटा, राइट। उन्होंने कहा कि डायरेक्शन ड्यूस ईएमएफ की बताइए, अगर आप कॉइल को ड्रैग करके ऐसे लेके जा रहे हो, कॉइल आधी देखो फील्ड के बाहर है आपकी, आप कॉइल को अंदर लेके जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसमें लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कौन सा होगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कैनॉट से, और समथिंग अदर? सर एंटी क्लॉकवाइज। यू विल हैव टू एक्सप्लेन दैट आल्सो। मैं बताता हूँ सर, देखो सर जब हम अंदर जा रहे हैं तो सर अंदर सर अंदर फील्ड बढ़ रही है, तो सर मतलब कि सर अंदर की तरफ सर वो जा रही है, मतलब क्या कहते हैं उसको, कॉइल सर वो फ्लक्स, यस सर, मतलब तो सर फ्लक्स तो सर फ्लक्स अंदर की तरफ है, तो सर जब फिर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक मिनट, जब आप इसको कॉइल को इंसर्ट कर रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रही है, राइट बेटा? और वो फ्लक्स क्लॉकवाइज आएगा। हाँ जी, वो आप बोलिए पहले। तो सर फिर उसके कारण एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा कि सर जोन सी वो फ्लक्स बढ़ी है उसको अपोज कर रहा है। यस, ध्यान दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से। जब आप बेटे, एक मिनट बेटा, कॉइल को इंसर्ट कर रहे हो ना, कॉइल को इंसर्ट करने पे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल बढ़ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें डेवलप हो जाएगी। लेंज़ेस लॉ कहता है कि इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी दैट विल बी ऑफ सच ए नेचर दैट कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स की इंक्रीज को अपोज करने वाली होगी, है ना बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर देखो आप, तो इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड है, नॉर्थ इधर होगा, साउथ अंदर की तरफ होगा, तभी परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड है। इसके अपोजिट क्या होगा, इधर को। और इसका जो आपका फेस देख रहे हो टॉप वाला, अगर टॉप वाला फेस इसका एंटी क्लॉकवाइज है तभी ये नॉर्थ होगा, एंड अगर नॉर्थ है तो आपका करंट जो है दैट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस विद इट, राइट बेटा? छोटा सा कंसेप्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया भी है, दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड इट बेटा। एक और है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ए मैग्नेट इज ड्रॉप्ड इन ए वेरी लॉन्ग कॉपर ट्यूब,
एक कॉपर का बना हुआ ये ट्यूब है, पाइप की तरह है, ये कॉपर का पाइप कह लो आप। आपको उन्होंने कहा है कि इस कॉपर के पाइप ने क्या किया है, ए मैग्नेट इज ड्रॉप्ड, एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इसको आप इस कॉपर के पाइप में ड्रॉप कर रहे हो, नॉर्थ साउथ ऐसे है इसका, ये इसके अंदर आपने, ये लॉन्ग है काफी, बोर्ड पे इतना लॉन्ग मैं शो नहीं कर पाया हूँ, इट इज क्वाइट लॉन्ग बेटा। अब आपको कहा गया है इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, अगर हम एयर का रेजिस्टेंस इग्नोर भी कर दें, राइट, इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस द मैग्नेट इट अक्वायर्स ए कॉन्स्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी, इसकी मैग्नेट की कॉन्स्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है। हाउ वी विल एक्सप्लेन फॉर दिस कॉन्स्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी बेटा राधिका, हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस बेटा, वाई इट विल अक्वायर कॉन्स्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ जी पुत्र जी, फ्लक्स, फ्लक्स सेम रह गया तो फिर तो कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ, देन फिर तो इसको बदल जाना चाहिए वेलोसिटी को, वो तो कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंट रह रही है। हाँ जी बोल दीजिए, अभी ध्रुव शर्मा, सिया, वंशिका, आर्यन, भूमिका, इश्पुनी, ध्रुव, लक्ष्य, मानविया, रोहन, सर फ्लक्स चेंज हो रही सर, इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी आएगी सर, एल क्रॉस वी इनटू बी सर, उससे डायरेक्शन में पता चल जाएगी। बेटे फ्लक्स कैसे चेंज हुआ सर, अंदर जाएगा तो सर, तो सर फिर अंदर तो सर कॉपर वायर है, मतलब सर कॉपर ट्यूब इनसाइड द कॉपर ट्यूब, तो फिर तो वो yes, मैग्नेटिक फील्ड कॉपर ट्यूब के साथ है, वो तो उतना ही रहेगा। तो सर, तो सर पहले तो बार था ना वो, तो सर जब अंदर के तब जितनी इंक्रीज हुई तो सर उसके कारण वो टर्मिनल आ गया ना सर, वो टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ हाँ हाँ, तो सर ध्यान दीजिएगा बेटा, आप जैसे ही बार मैग्नेट को या मैग्नेट को ड्रॉप करोगे, आपके कॉपर के कॉइल के अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और एडी करंट्स की वजह से फील्ड जो होगा वो इस फील्ड को, मैग्नेट के फील्ड को अपोज करने वाला होगा, दैट्स व्हाई इट अक्वायर्स अ टर्मिनल वेलोसिटी, राइट बेटा इश्पुनीत? यस सर। बाकी कोई बच्चा नहीं बोल रहा है, देख लो दिस इज नॉट गुड एट ऑल, प्रेजेंट हैं सारे बट बोल नहीं रहे हैं, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, थैंक यू ऑल बेटा, बाकी काम फिर बाद में करेंगे।